दोस्तों, इस समय आपको हम रमणती का ये मंदिर आश्रम दिखाएंगे आपको सभी भक्तों। तो इस समय सुबह 11 बजे हैं, तो आपको खूबसूरत नज़ारा ये रमणती पार्क मंदिर का दर्शन कर रहे हैं महावन से मथुरा उत्तर प्रदेश। तो आप सभी दर्शन करो,
आप सभी भक्तों इस दिव्य स्थान के श्री गुरु श्री शरणानंद जी महाराज के इस आश्रम में तो आप देख सकते हैं इतना कितना खूबसूरत गेट लगाया यहाँ पर। इस तरह भी बाथरूम हो गया और जल सेवा भी हो गया इधर। कितना खूबसूरत नज़ारा आप सभी भक्तों दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर इस रवणीति पार्क का। दोस्तों ये गेट है यहाँ पर देख सकते हैं कितना दिव्य खूबसूरत नज़ारा शरदी नवरात्रि महोत्सव में गेट बनाया हुआ है। दिव्य खूबसूरत नज़ारा। तो दोस्तों इस तरफ का भी नज़ारा आप कर लो। इस खूबसूरत दिव्य स्थान पवित्र स्थान श्री गुरु शरणानंद जी महाराज के इस आश्रम के आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों ये ऊपर आश्रम में आप देखेंगे यहाँ पर और ये आप देख रहे हैं कितना दिव्य भव्य नज़ारा रमणवती पार्क से। अम्मा रुको, तो आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर इस रमणवती पार्क में। पूज्य महाराज से यहाँ पे बैठते हैं सामने जो आपको मंदिर टाइप का दिख रहा है या कुटिया टाइप का, यहाँ पे श्री गुरु शरणानंद जी महाराज बैठते हैं। दोस्तों वो अभी यहाँ पर नहीं है तो यहीं पर दर्शन देते हैं। तो दोस्तों ये उनका मंदिर तरफ जाने का रास्ता है और इस तरफ आप देखेंगे इतना खूबसूरत नज़ारा गुरु मंदिर के जाने वाला रास्ता पूरी तरह सजा दिया गया यहाँ पर और इस तरफ कुटिया भी देख रहे हैं आप। पूरा खूबसूरत नज़ारा इस रमणीति पार्क का इस पवित्र स्थान का। इधर खूबसूरत बगीचा भी आप देख रहे हैं सभी भक्तों। देखो दोस्तों आप दर्शन करें यहाँ पर इस बगीचा का। ये सभी पवित्र स्थान है, सभी संत महात्माओं की सब साधना स्थल है। आपको मन चेंज हो जाएगा दोस्तों इस पवित्र स्थान में आके इस रमणीति पार्क में इस रमणीति के दिव्य स्थान में। चलो आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखाई देते हैं, उसके बाद मंदिर का व्यू दिखाएंगे। फिर यहाँ अशोक चक्र आप देख रहे हैं आप। तो इधर आप देख रहे हैं सभी भक्त जी आ रहे हैं नीचे, बालू में लेट रहे हैं सामने। तो इधर आप गार्डन का दर्शन भी करें, यहाँ सब तुलसी जी मैया को आप दर्शन कर रहे हैं सभी भक्तों। तुलसी जी के पेड़ यहाँ पर आप देख रहे हैं। इस खूबसूरत नज़ारा इस पवित्र स्थान रमणीति का। तो उस तरफ आप देख रहे हैं वो भागवत पांडाल है भक्तों और इस तरफ सामने आप देखेंगे वो मंदिर है। अब मंदिर का आपको दर्शन अभी कराएंगे थोड़ी देर में, पहले आपको थोड़ा बाहर का व्यू दिखा देते हैं। ये भी मंदिर है भगवान शिव का। पहले आपको रमणीति में जो बालू है माँ जो भक्त लोग लेट रहे हैं जो घर बना रहे हैं वो आपको दर्शन करा देते हैं, उसके बाद ले चलेंगे हम फिर मंदिर के दर्शन कराएंगे। तो दोस्तों जी आप देख रहे हैं सब बालू है, तो देख सकते हैं दोस्तों सभी भक्त यहाँ पर बालू में कैसे खेल रहे हैं यहाँ पर देख रहे हैं आप सभी भक्तों। तो दोस्तों जी स्थान है वो यहाँ पर बैठे हैं वो जिस शरणानंद जी महाराज इस कुटिया के अंदर। इस खूबसूरत नज़ारा इस दिव्य स्थान का पवित्र स्थान का। तो यहाँ कितने भक्त लोग आप देख रहे हैं दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। भक्त लोग अपनी इच्छा अनुसार घर बना रहे हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलो थोड़ा आपको आगे का व्यू दिखा देते हैं। सभी बालू में लेट रहे हैं सभी भक्तों का आपको नज़ारा दिखा देते हैं। तो आप सभी भक्त दर्शन करें नज़ारा करें। उधर आप सभी महात्मा की कुटिया आप देखेंगे, सभी के नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। दोस्तों आप सभी हफ्ते यहाँ दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर सभी हफ्ते। देखो दोस्तों यहाँ दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं यहाँ पर, यहाँ घर बना रहे हैं सब लोग।
तो आप सभी भक्तों दर्शन करें। यहाँ स्कूल के बच्चे भी हैं, सभी पूरे राज्यों से सभी भक्त लोग यहाँ पा रहे हैं। बाहर निकलने का रास्ता उधर से निकल रहा है वो। आप सभी भक्तों को देख रहे हैं यहाँ पर इस दिव्य अनुभूति रसपावित स्थान का दर्शन कर रहे हैं सभी भक्त लोग। सभी महात्मा की कुटिया आप देख रहे हैं यहाँ पर, सभी महंत चल रहे यहाँ पर। सभी भक्तों का दर्शन करें, यही सब स्कूल के बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर। भगवान की भक्ति में सब डूबे नजर आएंगे आपको, जो भारत के अनेक राज्यों से यहाँ पर आए हैं। देखो भक्त लोग आपको कैसे बालू में खेलते हुए नाच रहे हैं, इसे भक्ति कहते हैं दोस्तों। चलो आपको थोड़ा पास से दिखा देते हैं इस भक्ति को। तो ये भक्तों आपका नज़ारा देखेंगे आप, इस खूबसूरत पल का, इस पवित्र स्थान रमणीति में। तो आप सभी भक्तों दर्शन करें यहाँ पर भक्ति में, इसको कहते हैं दोस्तों भक्ति। भगवान की भक्ति में सब चकनाचूर नजर आएंगे आपको। जय हो। सभी भक्तों लोग भगवान की भक्ति में मस्त पूरी तरह से नजर आएगा आपको। जय हो। भक्तों की मस्ती को आप देख रहे हैं सभी भक्तों इस रमणीति पार्क में, इस रमणीति दिव्य स्थान पर सभी भक्त खोए हुए हैं। चलो भक्तों आपको थोड़ा मंदिर के दर्शन करा देते हैं अब। मंदिर का खूबसूरत नजारा आप सभी भक्तों दर्शन कर रहे हैं। भगवान के दिव्य दर्शन तो दोस्तों यहाँ पर माँ शरावाली की जो आज नवरात्रि है वहाँ पूजा पाठ भी हो रहा है, तो आपको थोड़ा पास से दिखाएंगे।
तो चलो आपको थोड़ा पास, आप सभी भक्त दर्शन करें शरदी नवरात्रि पर माँ शेरावाली की आज नवमी में, और हवन पूजा हो रही है यहाँ पर महान संतों के द्वारा, तो आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर इस यवन युग कुंड की माँ शेरावाली का दिव्य भव्य नजारा इस रमणदेती धाम से, इस पवित्र स्थान से। जय हो माँ शेरावाली आपकी जय। तो इस हवन कुंड को आप दर्शन कर रहे हैं सभी भक्तों इस रमणदेती पार्क से, माँ शेरावाली का समय नवमी के दिन हवन होता हुआ आप सभी भक्तों दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, आप सभी भक्तों दर्शन करें इस नवरात्रि तो माँ शेरावाली के दिव्य भव्य नजारा। तो आप देख सकते हैं सभी भक्त आप पीछे देख रहे हैं, तो आप सभी भक्तों से महान संतों की या कुटिया को दर्शन करो। पंडन की नाम जिस संत लोगों की कुटिया है, तो आप सभी भक्तों दर्शन करेंगे यहाँ पर सभी महान संतों की कुटियाओं के, सभी के नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ऋषि जमदग्नि आप उनकी कुटिया को देख रहे हैं यहाँ पर, और ऋषि पराशर की कुटिया जी आप देख रहे हैं, भगवान सुखदेव आपके दर्शन होंगे आप सभी कुटिया, इस भगवान के पीछे चित्रण खूबसूरत नजारा भगवान की दिव्य कला कर, ठीक है भगवान की जय हो भगवान कृष्णा। श्री कपाद श्री गौतम तो इस तरह भी आप देखेंगे भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ पर सजाया हुआ है, भगवान इस पांडाल में यहाँ भागवत होती है, यहाँ भगवान की सभी मूर्तियों के दर्शन आप कर रहे हैं, महाराज के दर्शन करें आप सभी भक्तों। तो यहाँ आप देख रहे हैं ऋषि संघ जी की कुटिया, यहाँ ऋषि अत्रि जी महाराज की कुटिया और ऋषि भृगु जी महाराज उनकी कुटिया, तो यहाँ पर सभी सखाओं को आप देख रहे हैं हमें उनकी चित्रण को आप दर्शन कर रहे हैं भगवान के साथ खाना खाने के, आप सभी तो दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर उनकी कुटियाओं के दर्शन करें आप, ऋषि मतंग अपने भक्तों आगे का दर्शन अब आपको दिखा रहे हैं हम महान संत के पवित्र स्थान महावन रमण रेती के, आप सभी भक्तों दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर, आप सभी भक्तों के पीछे देख रहे आते हुए, तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ भोजन प्रसादी होता है,
तो दोस्तों रमणती पे यहाँ पर ये सब भोजन प्रसादी का यहाँ पर आपको जो वो स्थान दिखेगा, कुटिया या थाली रखी है, यहाँ सभी भक्त भोजन खाते हैं। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं यहाँ सब भक्त लोग बैठ कर भोजन करते हैं। वो सामने आपको भट्टी नज़र आ रही है और ये सभी कुटिया आपको सब दर्शन कर रहे हैं आप सभी भक्तों। थोड़ा आपको आगे का व्यू दिखा देते हैं। इस रमणीय धाम में, इस रमणीय के पवित्र स्थान में, गुरु श्री सनातन जी महाराज के पवित्र स्थान रमणीय के तो आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर केला पेड़ कैसा देखेगी, इस गार्डन बगीचा के अंदर आप कितना दिव्य और खूबसूरत नज़ारा, इस प्रकृति के बीच में कितना अच्छा लग रहा है। आप सभी भक्त दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर इस रमणीय पार्क में। चलो तालाब की तरफ चलते हैं, आगे जो तालाब बना हुआ है पक्का तालाब, वो आगे देखते हैं। वहीं आइए डॉक्टर सामने, तो यहाँ भक्त भी आराम से झूला भी झूले हैं दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे। तो आपको भक्तों में ले चलते हैं कुंड की तरफ, जो नया कुंड जैसा एक सरोवर से बनाया हुआ है। यहाँ भगवान की दिव्य रूप में आप दर्शन कर रहे हैं, भगवान श्री हरि महाराज में। उखल मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं, नल कुबेर, और इधर भी आप देख सकते हैं कितना मनोहर दिव्य रूप। मुझे तो दोस्तों बहुत अच्छा लग रहा है इस पवित्र स्थान पर आके, तो आप सभी भक्त दर्शन कर ही रहे होंगे यहाँ पर। श्री बिहारी जी कुंड मार्ग और श्री रमण बिहारी क्रीड़ा स्थल, वो भी आप देख रहे हैं। स्वागत हम दोस्तों, आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आप सभी भक्त यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है इतना बड़ा विशाल घंटा आप देख रहे हैं। तो दोस्तों हम आपको सरोवर दिखा देते हैं, जो नया रमणीय धाम पर जो बना हुआ है, यहाँ भक्त लोग स्नान करते हैं। अब कितना पानी रह गया वो आप भी देख लो। तो दोस्तों ये वो कुंड है जो अभी नया बनाया है, अब इसमें पानी भी नहीं है, पानी पूरी तरह सूख गया दोस्तों। अब पानी सूख गया इस कुंड में दोस्तों, आप सब व्यक्ति दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर इस रमणीय कुंड पर। अब इसमें मेरे हिसाब से मछली होंगी यहाँ दोस्तों, आप देख रहे होंगे यहाँ पर कुंड भी सूख गया पूरी तरह से। अब आगे आप देख रहे हैं गौ माता आपको नजर आएंगी, कितना खूबसूरत नजारा है रमणीय पार्क का। यहाँ भक्त लोग इस पार्क के अंदर बैठे हुए आनंद ले रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भक्ति में खोए हुए नजारा, इस प्रकृति के बीच में हरे भरे पेड़ों के अंदर आप देख सकते हैं इस पार्क में इस दिव्य खूबसूरत नज़ारा। सभी भक्त लोग आनंद से झूमते हुए, यहाँ बच्चों को बैठने का भी बनाया हुआ है चिड़िया टाइप का, इस रमणीय पार्क में आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप सभी आए यहाँ पर और दर्शन करें भगवान के इस रमणीय पार्क रमणीय धाम गुरु शनानंद जी महाराज, जो इस रमणीय पार्क के मुख्य संत हैं यहाँ पर, वो अभी यहाँ नहीं है, मैं आपको उनके दर्शन कराता